वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं, और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है, मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। कृष्ण क्या कर रहा है? राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। वाह, इतने सारे फल, ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ, पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लो। दादी लोब की जय हो। Oh!
इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे कि सभी किसानों को उच्च कोटि के बीज दिए जाएं ताकि फसल भरपूर हो। नंद महाराज। जो आज्ञा महाराज। नंद महाराज, रक्षा करो। सुकांत, क्या बात हो गई? नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है, उसके बहुत से फन है और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता ये कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए, मैं स्वयं उनके साथ यमुना चलूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गांव लौट आए। जी महाराज। ओ नहीं। यशोदा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। अरसुबला, मधुमंगल, हंसी और दधी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो तुम यहाँ हो, शीघ्र चलो हमसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसी, रुक जाओ हमसी, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है।
ना जाने बच्चे कहाँ होंगे, जहाँ सुरक्षित हो। कृष्णा, बलराम, मधु। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें उसे बचाना ही होगा। नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, वहाँ खतरा है। कृष्णा, कृष्णा, नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। जाने दो, मैं यहाँ खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। वो देखिए, कृष्णा तो बांसुरी बजा रहा है। इसे सुनिए, अद्भुत है। कृष्णा, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पति पर दया करो कृष्णा, वो तन और मन दोनों से हार चुके हैं। कृष्णा, तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है, अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्णा,
मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था, अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था, आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। किंतु कृष्णा, विष के बिना तो ये असहाय है, ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कृष्णा, हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है, इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे। कालिया को भगा दिया। कृष्ण की जय हो, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। ओह कृष्णा, कृष्णा तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं आ गया हूँ माँ, मैं बस तैरने चला गया था। तुम बहुत ही अद्भुत हो मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो बस कृष्ण। और इस तरह वृंदावन के अद्भुत बालक कृष्ण ने अपने पाठकों के हृदयों में अपनी जगह बना ली। पाठक आज भी उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए, इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराजेंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता।
इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है, सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव, ये सब इंद्र देव की नहीं गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है, गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूंगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए, दो इंद्र के लिए, दो मेरे लिए। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है, उनकी ये हिम्मत। मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो।
क्षमा चाहता हूँ देवराजेंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलत इसे एक और गांव को बाढ़ से भर दिया, ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना? इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं, कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे एक क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा, इंद्र को बलराम बाबा ठीक कहते हैं, ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, हम मेरे बच्चे। We'll be right back.
कृष्ण की मदद करो। हाँ, वो अकेले नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी मधु। इतने तूफान के बाद भी ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। देवराज। आओ संवर्धक, बहुत थके हुए लग रहे हो। बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है? देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देव राजेंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्धक। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा।